हमको लगता है सन्यास मतलब बस एक कपड़े बदल दिए और सर घर छोड़ दिया तो सन्यासी हो गए भगवत गीता में सन्यास इसको नहीं माना गया मैं कई बार कहता लव इज ब्लाइंड एंड मैरिज इज दे आ छोटी छोटी चीजें भी बहुत होती है जिसको नजरअंदाज भी करना पड़ता है रिश्तों में जिंदगी जीना आसान नहीं होता जिंदगी जीना आसान नहीं होता उसको आसान बनाना पड़ता है कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से अभी मुझ में कही बाकी थोड़ी सी है जिंदगी 93.5 एम से मैं very very मेरे साथ में इस वक्त हैं। और इनसे बहुत सारी बातें करनी है ठीक नमस्ते। नमस्ते sure हाँ okay. <laughs> है तो मेरे शो का नाम लाइट्स आउट है और क्योंकि आपने बोला कि हैप्पीली बिजी था दिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि जब लाइट्स आउट होती होंगी रात में तो कोई थॉट रहता होगा माइंड में वो क्या है Uh, मेरे हिसाब से जब लाइट आउट होता है सबसे बड़ा थॉट मेरे लिए है कि उस दिन में मैंने किसी की लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड की कि नहीं ओके इफ आई एम प्रोड्यूसिंग सम कंटेंट कुछ कंटेंट हो कोई रील हो कोई इवेंट किया हो तो सबसे बड़े जो सुकून की फीलिंग है जब आप लेट जाओ लाइट्स आउट हो गई या आज जो कह रहे हैं पॉसिबली किसी की लाइफ में कहीं तो छू गया हो एंड फीलिंग इज अमेजिंग ओके ओके ये फीलिंग हमारे अंदर भी आनी चाहिए कुछ अलग ही फीलिंग्स आती रहती है कई बार बहुत अलग अलग फीलिंग्स अब जैसे आई टॉक अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स इन माय शो और यूजुअली लोगों का एक ये मेजर पॉइंट होता है कि इज इट एवर पॉसिबल टू मीट समवन एंड नो दैट दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी इट्स लाइक यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग द राइट सोलमेट या वो सोलमेट जो लाइक परफेक्ट हो हमारे लिए जो जिनके साथ वो रिश्ता <laughs> बन जाए ऐसा पूरा सारे बॉक्सेस टिक हो जाए यू नो एक लड़की एक बार एक पंडित जी के पास गई और कह रही थी उनको कि पंडित जी मैं शादी करना चाहती हूँ ऐसे लड़के को क्या कहते हैं जो हैंडसम हो रोमांटिक हो एंटरप्राइजिंग हो एजुकेटेड हो कभी मुझसे झगड़ा नहीं करे कभी फ्लर्ट नहीं करे ऐसे लड़के को क्या कहते हैं पंडित जी ने कहा मन का वहम कहते हैं बेटा ऐसे लड़के को मन का वहम है कि कोई सब बॉक्सेस टिक करेगा, राइट? यू नॉट गोइंग टू फाइंड आई थिंक इट्स इट्स अ हार्ड जर्नी ये दिल का सफर है और रिश्तों में दो चीजें लगती है दिल का कनेक्शन और रेजोनेस mm -hmm. कि किसी के मिलने के बाद जो जो कुछ कुछ होता है वाला जो फीलिंग है दिल में रोमांटिक फीलिंग की कनेक्शन जुड़ जाना ये दिल की बात है लेकिन कई लोग दिल की बात सुनते हैं और दिमाग को पीछे छोड़ देते हैं right. और गड़बड़ होती है बाद में hmm. और कुछ लोग बस दिमाग से एनालाइज करते होते कि ये सही है कि नहीं वो सही है क्या ये सही होगा कि ये, ये क्या ये बॉक्सिस ठीक हो गएगा और दिल की आवाज को सुनना भूल जाते हैं जी. तो मेरे हिसाब से रिश्तों में आगे बढ़ने के लिए हेड और हार्ट का बैलेंस लगता है दिल और दिमाग का बैलेंस लगता है दिल से कनेक्शन को ढूंढना पड़ता है कि किससे ये दिल कनेक्ट हो रहा है केवल रोमांटिक नहीं केवल वो फीलिंग्स वाली बात नहीं एक डेप्थ में कहीं कनेक्शन हो रहा है और दूसरी चीज है दिमाग से सोचना दिल से कनेक्शन होगा और दिमाग से सोचा नहीं कंपैटिबिलिटी है गड़बड़ है सबसे अच्छी कंपेटेबिलिटी है और दिल का कनेक्शन ही नहीं हुआ yeah. गड़बड़ है तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई परफेक्ट दिन आएगा जहां आपको पता लगा कि यही आज पता लग गया कि सफर है। इट्स अ जर्नी एंड इन दैट जर्नी टू लिसन टू योर हार्ट वाइल यू कीप योर हेड विद यू। अपने दिल की बात को दिल की धड़कन को सुनना जबकि अपने दिमाग को भी साथ में लेकर हुए चलते रहना चाहिए मैं कई बार कहता हूं लव इज ब्लाइंड एंड मैरिज इज द आई ओपनर कई बार लोग <laughs> दिमाग को पीछे छोड़ के चले जाते हैं <laughs> अंधेपन में कुछ कर बैठते हैं बाद में पता लगता है कंपैटिबिलिटी नहीं है कनेक्शन <laughs> नहीं हुआ था तो ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है मेरे

होना कितना नेचुरल है yeah. मतलब आप सोचिए कोई अगर ऑफिस से आया है घर लौट के एनी पति पत्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हो कोई लौट के आया है और एक बहुत बुरे फेज से गुजर के आ रहा है ऑफिस से फ्रस्ट्रेशन कोई सराफा में बाजार में तो जाके तो नहीं निकालेगा बिल्कुल नहीं। वो जो दही बल्ला बेच रहा है उसको जाके तो नहीं चिल्लाएगा hmm. कोई रास्ते पे टैक्सी वाला है उसको तो ना के नहीं चिल्लाएगा कोई बस स्टॉप पे लड़की बैठी उसको तो जाके नहीं बोलेगा कि मेरे के साथ क्या हो रहा है के बोलने वाला है फ्रस्ट्रेशन निकलेगा कहाँ मुझे कई बार लगता है कि जब फ्रस्ट्रेशन निकलता है इसका मतलब रिश्ता गहरा है okay. क्योंकि आप उसी के साथ जाकर अपने दिल की भड़ास बोल पाते हैं जिसको आपने अपना माना है रास्ते पे किसी के पास भी तो अगर बोलेंगे नहीं आप और निकालोगे कहा Okay. और अगर आज उनका दिन है तो कल आपका दिन नहीं आएगा क्या <laughs> आज वो ऑफिस से आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन भड़ास निकाल रहा है कल को आपकी टर्न आएगी आप कहा निकालोगे तो ये अपेक्षा करना कि ये अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाले hmm. कितनी गलत एक्सपेक्टेशन है वो yeah. कितनी गलत एक्सपेक्ट अरे भाई रिश्ते वो होते हैं जिसमें इतनी गहराई हो इतनी गहराई और इतना कनेक्ट बना हो कि एक फ्रस्ट्रेशन से कोई रिश्ते पे थ्रेट नहीं हो कोई आके कुछ दिल की बात बोल दे कुछ झगड़ा हो जाए थोड़ा गरजने वाले बादल होते हैं बरसने नहीं चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है ना कि थोड़ी समझदारी होनी चाहिए There should be a level of understanding कि हम अपने सफर में बहुत कुछ हमारे साथ हो रहा है कहीं तो दिल की बात होगी ना तो आज अगर आप उनको समझेंगे तो कल आपको भी वो समझेंगे एंड दिस विलिंगनेस टू अंडरस्टैंड ईच अदर ये एक दूसरे को समझने की जो विलिंगनेस है वो जहां होती है वो रिश्ता होता है नहीं तो ये जो सुपरफिशियल सब कुछ चल रहा है hmm. जहां दूसरे को समझने के लिए हम अपनी बैंडवीडती नहीं बढ़ा रहे हैं right. तो मतलब क्या हो बट ये बोथ साइडेड होना चाहिए एक साइड से अगर हो रहा है तो फिर वो थोड़ा गलत है वो कभी कभी मुझे लगता है फिर वो अब्यूज में भी आ जाता है

तो अगर बहुत जल्दी या फिर यू नो यू टेक योर टाइम एंड यू डिसाइड कि आई टू मूव ऑन अगर ऐसा कर दिया तो कई लोगों hmm. like hmm. तो right hmm, hmm, hmm. uh, बार मुझे क्या लगता है ना कि हम छोटी छोटी चीजों को भी बहुत बड़ा करके उसको टॉक्सिसिटी मान लेते हैं कई बार हाँ. छोटी छोटी चीजें भी बहुत होती है जिसको नजरअंदाज भी करना पड़ता है रिश्तों में मैं कई बार कहता हूं जिंदगी जीना आसान नहीं होता जिंदगी जीना आसान नहीं होता उसको आसान बनाना पड़ता है कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से okay. दोनों करना पड़ता है तो ये जो है कि टॉक्सिसिटी है हर छोटी चीज को लेके अगर हम उसको टॉक्सिसिटी मान ले hmm. तो आप हमको पहले टॉक्सिसिटी की अपनी एक डेफिनेशन भी उम्मीद चाहिए नहीं तो किसी छोटी चीज को भी हम टॉक्सिक मान लेंगे और एक और बात कहना चाहूंगा कि किसी इंसान के लिए जो छोटी चीज होती है हो, दूसरे के लिए बड़ी होती है जैसे मेरे लिए आप अगर देरी से आए मेरे लिए वो बहुत अहम चीज है कि वो कोई पंक्चुअल हो किसी और के लिए कोई फर्क नहीं पड़े नहीं। तो इसलिए टॉक्सिसिटी की एक स्टैंडर्ड परिभाषा और डेफिनेशन देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सबके लिए वो एक अलग बाउंड्री है मेरी एडवाइस बस ये एक है कि जल्दबाजी में छोटी चीजों को टॉक्सिसिटी का लेबल न दे कई बार जल्दबाजी में हम कह देते हैं कि ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है शायद टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है शायद मेरा देखने का नजरिया वैसा हो गया होगा है hmm. ना आफ्टर हैविंग सेट दैट ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारी मेंटल स्पेस को और हमारी इमोशनल स्पेस को रिस्पेक्ट करना

जहाँ सेंसिटिविटी चली गई थोड़ा ऊपर नीचे चलता है कुछ बोल देते हैं हम लेकिन जब रोज के मामले में अगर बोलने में और डीलिंग में सेंसिटिविटी चली गई तब पता चलना चाहिए कि अगर क्रॉनिकली ये चलता रहा है तब फिर ये छोटी चीज़ों से निकल के ये टॉक्सिक बिहेवियर में आ रहा है अदरवाइज क्या छोटी छोटी चीजों को अगर हम टॉक्सिसिटी मानकर बैठेंगे तो आप कहीं भी जाओ आपको टॉक्सिसिटी मिलेगी आप इससे निकले कहीं और किसी और के पास जाए यू मूव ऑन फ्रॉम दैट रिलेशनशिप टू अनदर थिंकिंग आई मूड आउट ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप बट आप कहीं भी जाए तो ये तो सब होता ही रहेगा रिस्पेक्ट देखिए नार्सिसिज्म नहीं है देखिए सेंसिटिविटी देखिए कनेक्शन देखिए फिर ये जो ऊपर का ऊंच नीच है उन्नीस बीस है ये तो चलने ही वाला है वो भी उनको भी तो ऐसा होता ही होगा तो आपकी आप ओर से कई बार सो आई थिंक दैट इज वेरी क्रिटिकल टू नोट एंड अपर ओके सो गुरुजी और मंक सो अह डिटैचमेंट या सन्यास कितना जरूरी है टुवर्ड्स द एंड मेरे हिसाब से डिटैचमेंट और सन्यास कपड़ों से घर परिवार से नौकरी से व्यवसाय से नहीं होता डिटैचमेंट और सन्यास एक मानसिकता है इट्स अ माइंडसेट बीइंग अ मंक इज लेस अबाउट एन अटायर कपड़ों से कोई सन्यासी नहीं बनता और केवल अपने हेयर है, स्टाइल से कोई सन्यासी नहीं बनता सन्यासी मानसिकता से बनता है तो वो सन्यास हमको जहाँ हम है वहां उस मानसिकता को लाकर सन्यासी बनना है घर में रहकर भी सन्यासी बना जा सकता है पहले छोटी छोटी चीजों से डिटैच होने लगे मैं अपनी ओपिनियन को लेकर अड़कर बैठा हूं पहले उससे तो डिटैचमेंट करे वो सन्यास है वो सन्यास है कोई गड़बड़ हो गई छोटी अनबन हो गई उसको छोड़ देना लेटिंग गो वो सन्यास है वो सन्यास है किसी पर अपना किसी के रिश्ते में अपने किसी सामने वाले इंसान पर हावी नहीं होना वो सन्यास है अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स उन पर इम्पोज नहीं करना ये सन्यास है उनको सम्मान देना ये सन्यास है विनम्र भाव से सुनने की तैयारी रखना ये सन्यास है हमको लगता है सन्यास मतलब बस एक कपड़े बदल दिए और सर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया तो सन्यासी हो गए गीता में सन्यास इसको नहीं माना गया गीता में सन्यास मानसिकता को माना गया है। अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर लड़ रहा था सन्यासी था सन्यासी था पत्नियाँ थी उसकी बाद में राज्य मिला युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे राज किया वो लोग नहीं वो सन्यासी थे क्योंकि मानसिकता वो थी डिटैचमेंट से जी रहे थे तो मैं क्या कह रहा हूँ बड़ी बड़ी चीज़ों से छोटी छोटी चीजें तो छोड़ने लगे पहले अरे छोटी छोटी चीजों को लेकर हम लोग झगड़े कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर बैठते हैं और वो खटास बढ़ाते रहते हैं अंदर इन छोटी चीजों से तो सन्यास लो पहले कौन कह रहा है घर बार छोड़ने को कोई नहीं कह रहा कौन कह रहा है कपड़े बदलने को कोई नहीं कह रहा मानसिकता बदलना बहुत जरूरी है अभी मुझ में कही बाकी थोड़ी सी है जिंदगी जगी धड़कनी माना जिंदा हूँ मैं तो अभी कुछ ऐसी लगन इस लम्हे मैं ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने इसे छू लू जरा मर जाऊं या जी लू जरा थैंक यू मैं गौर गोपाल दास यहाँ इंदौर में हूँ और मुझे आरजे शारदा के साथ ये जो लाइट आउट्स वाला सेशन है इसमें बड़ा मजा आया होपफुली आपको भी मजा आया हमारे कॉन्वर्सेशन में कितना मजा है कितना ज्ञान पेल रहा हूँ जानता नहीं <laughs> लेकिन आप देख लीजिए जो भी <laughs> लग जाए आपको मन में ले लीजिएगा थोड़ा बहुत जो भी लग जाए बड़ा आनंद आया रेड एफ एम बजाते रहोक यू